जी धान ही छत्तीसगढ़ के पॉलिटिक्स में सबसे प्रमुख स्थान रहा। मुझे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विल्टन फ्रिडमैन याद आते हैं, जो कहते हैं कि होती है या कार्यक्रम होते मनसा के अनुसार नहीं देखना चाहिए, उन्हें उनके। आज जो स्थिति है भारत में ग्रेन्स की, जो कमी की, इसमें आप देख लीजिएगा कि वर्तमान समय में, मैं 1 सितंबर तक का डाटा देता हूं भारत सरकार का, स्टॉक में मात्र 232.88% स्टॉक में चावल बाकी। और जिस तरह से डिफेंस को हमको देना पड़ता है, या फिर राजनयिक रूप से देना पड़ता है, या फिर मुफ्त अनाज के लिए देना पड़ता है, या फिर ऑपरेशन की जो जरूरत होती है उसके लिए, तो उस हिसाब से 90 लाख टन गेहूं का शॉर्टेज ऑलरेडी है। और यहाँ पर मूल बात यह आ रही है कि यथा स्थिति जो है हमारे यहाँ FCI के गोदाम में, चाहे गेहूं हो या फिर मैं जो पिछला जो 3 साल का जो आंकड़ा है उसमें सबसे लोअर पोजीशन में है स्टॉक चावल का। अब यहाँ पर एक तरफ तो निर्यात में प्रतिबंध लगा हुआ है, और निर्यात में प्रतिबंध लगने के कारण फॉरेन करेंसी के ऊपर भी भारत को अपना प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस दरमियान हमारे पड़ोसी राज्य, साथ ही साथ थाईलैंड या एशिया के पूर्ववर्ती राष्ट्र, इंटरनेशनल मार्केट जो कि अफ्रीका का है या फिर यूरोपियन कंट्री का, उसमें कब्जा कर रहे हैं, और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो कभी कभी दुख होता है। मूल बात यह है कि आप लोग बैठ करके समाधान निकाल सकते हैं। और दूसरी बात है यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय अभी जो एलनीनो का प्रभाव है और मानसून में जो उथल पुथल है, तो भारत सरकार सोइंग के ऊपर तो